दोस्तों हमें यकीन है कि आप सभी लोग WWE रेसलिंग के बारे में तो जरूर जानते होंगे। अब चाहे आपको WWE पसंद हो या ना हो, फिर भी आपने इसे बहुत बार अपने टेलीविजन या फिर मोबाइल फोन पर जरूर देखा होगा। पर जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि WWE दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोफेशनल रेसलिंग शो है। और यह इतना बड़ा शो है कि इसमें परफॉर्म करने वाले एथलीट दुनिया भर में WWE सुपरस्टार्स के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे भारत में भी WWE को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको WWE में परफॉर्म करने वाले 10 सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में 10वें नंबर पर हमने रखा है द ग्रेट खली को। द ग्रेट खली WWE का एक ऐसा नाम है जिन्हें हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है, जबकि खली नाम उनको WWE के द्वारा ही दिया गया था। और भारत के हिमाचल प्रदेश में जन्मे खली ने अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी, लेकिन उन्हें असली प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने साल 2006 में WWE में अपना करियर शुरू किया। और अपने बेहद ही लंबे कद और विशाल शरीर की वजह से खली WWE में बहुत ही जल्दी फेमस हो गए थे। और इतना ही नहीं, साल 2007 में एक ट्रिपल थ्रेट मैच में खली ने केन और बटिस्टा को हराकर WWE का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल भी अपने नाम किया था। और यह कारनामा करने वाले वह पहले भारतीय बने थे। और दोस्तों रेसलिंग के अलावा खली 4 हॉलीवुड फिल्में, 2 बॉलीवुड फिल्में और 3 टेलीविजन शोज में भी नजर आ चुके हैं। और कुछ इसी तरह से WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में बटिस्टा को हमने 9वें नंबर पर रखा है। दोस्तों बटिस्टा WWE के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें शायद ही कोई व्यक्ति न जानता हो। और आपको बता दें कि बटिस्टा सिर्फ एक प्रोफेशनल रेसलर ही नहीं है, बल्कि एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, बॉडी बिल्डर और एक मशहूर एक्टर भी हैं। दरअसल बटिस्टा ने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोफेशनल रेसलर के तौर पर साल 1999 में की थी, लेकिन उनको असली प्रसिद्धि साल 2002 में उस टाइम मिली थी जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत WWE से की। और बेहद विशाल और ताकतवर शरीर के मालिक होने के नाते बटिस्टा को WWE में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल हो गई। और फिर अपनी इसी लोकप्रियता की वजह से वह बहुत ही जल्दी WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शुमार किए जाने लगे थे। लेकिन फिलहाल बटिस्टा रेसलिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब उनका सारा ध्यान सिर्फ एक्टिंग पर है। और कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर हैं रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो WWE के सबसे ज़्यादा फुर्तीले और ज़बरदस्त कलाबाजी दिखाने वाले रेसलर्स में से एक हैं। और उनके इसी स्वभाव की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं। दरअसल 1974 में जन्मे रे मिस्टीरियो ने अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत WWE में शामिल होने से कई साल पहले ही कर दी थी और वह अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे। लेकिन उन्हें विश्व स्तर की प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने साल 2002 में WWE में रेसलिंग करना शुरू किया। और अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाकर रेसलिंग करने वाले रे मिस्टीरियो बच्चों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा रेसलर्स में से एक हैं। और अपने करियर में वह कई यादगार और बेमिसाल परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इसके अलावा नंबर 7 पर मौजूद द रॉक को आज कौन नहीं जानता। द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन को तो आपने बहुत से मशहूर फिल्मों में एक्टिंग करते हुए जरूर देखा होगा। दरअसल साल 1972 में जन्मे ड्वेन जॉनसन ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 1996 में की थी और उससे पहले वह अमेरिका और कैनेडा के लिए रग्बी खेला करते थे। और उनको द रॉक नाम WWE के द्वारा ही दिया गया था। द रॉक WWE के सबसे ज़्यादा मनोरंजक और लोकप्रिय रेसलर्स में से एक थे। और जिस समय वह रिंग में उतरते थे उस टाइम लोग जोश और रोमांच से पूरी तरह से भर जाते। WWE में उनका आकर्षण कुछ ऐसा था कि लोग उनसे अपनी नज़र ही नहीं हटा पाते। और जिस तरह से द रॉक WWE में कामयाब रहे ठीक उसी प्रकार उनका एक्टिंग करियर भी बेहद ही कामयाब रहा और आज वह दुनिया के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से मोस्ट फेमस रेसलर्स में नंबर 6 पर हैं ट्रिपल एच। अब इस बात में भी कोई शक नहीं है
कि ट्रिपल एच WWE इतिहास के सबसे ज्यादा फेमस और पसंद किए जाने वाले रेसलर्स में से एक हैं, और खास करके हमारे भारत में उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल 1969 में जन्मे ट्रिपल एच ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 1992 में की थी, और अपनी आकर्षक छवि की वजह से वह बहुत ही कम समय में लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। ट्रिपल एच ने साल 2003 में WWE के चेयरमैन और CEO विंस मैकमहन की बेटी स्टेफनी से शादी कर ली थी, और आज वह एक कामयाब रेसलर होने के साथ ही साथ WWE में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का पद भी संभाले हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि ट्रिपल एच का असली नाम पॉल माइकल लेविस्क है। और दोस्तों, लिस्ट में आगे बढ़े तो WWE के सबसे फेमस रेसलर्स में नंबर 5 पर हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को WWE इतिहास के सबसे ताकतवर रेसलर्स में शुमार किया जाता है, और अपनी ताकत का नमूना वह रिंग में भी बहुत बार दिखा चुके हैं। दरअसल 1977 में जन्मे ब्रॉक लेसनर ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत तो साल 2000 में ही कर दी थी, लेकिन उन्हें असली प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने साल 2002 में WWE के लिए रेसलिंग करनी शुरू की, और फिर उसी साल मात्र 25 साल की उम्र में वह द रॉक को हराकर WWE चैंपियन बन गए थे। इसके साथ ही उन्होंने सबसे कम उम्र में WWE चैंपियन बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक रेसलर ही नहीं बल्कि एक बेहद ही कामयाब मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, और इस बात को उन्होंने 2008 में UFC का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतकर भी साबित किया था। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही आज की हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद हैं जॉन सीना। जॉन सीना WWE के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। खासतौर पर हमारे भारत में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। दरअसल 1977 में जन्मे जॉन सीना ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 1999 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग से की थी, लेकिन विश्व स्तर की प्रसिद्धि उन्हें तब हासिल हुई जब उन्होंने WWE में कदम रखा, और अपने अनोखे अंदाज के दम पर उन्होंने बहुत कम समय में ही दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया था। रेसलिंग के साथ ही साथ जॉन सीना एक्टिंग में भी अपना करियर बनाते रहे, और आज वह सिर्फ एक कामयाब रेसलर ही नहीं बल्कि एक जाने माने हॉलीवुड अभिनेता भी हैं। और दोस्तों, WWE के सबसे फेमस रेसलर्स में द अंडरटेकर नंबर 3 पर हैं। अंडरटेकर को इतिहास के सबसे महान प्रोफेशनल रेसलर्स में शुमार किया जाता है, और वह एक ऐसे रेसलर हैं जिनकी वजह से WWE को आज दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। दरअसल 1965 में जन्मे अंडरटेकर ने अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 1987 में की थी, और उस समय WWE को WWF के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, अपनी खौफनाक छवि की वजह से अंडरटेकर बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे, और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ अंडरटेकर की वजह से ही WWE को देखना शुरू किया था, और अपने समय में वह WWE के सबसे बड़े और सबसे फेमस सुपरस्टार कहलाते हैं, और आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोग अंडरटेकर को ही अपना पसंदीदा सुपरस्टार मानते हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में नंबर 2 पर नाम है गोल्डबर्ग का। विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग, जिन्हें रिंग में गोल्डबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वह एक प्रोफेशनल रेसलिंग इतिहास के सबसे कामयाब और महान रेसलर्स में से एक हैं। दरअसल 1966 में जन्मे गोल्डबर्ग ने अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 1997 में की थी, और बहुत ही कम समय में ही वह एक सुपरस्टार कहलाए जाने लगे। गोल्डबर्ग ने अपने करियर के शुरुआती 173 मैचों में लगातार जीत हासिल की थी, और उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी रेसलर नहीं तोड़ पाया है। गोल्डबर्ग को WWE के इतिहास के सबसे ताकतवर रेसलर्स में भी शुमार किया जाता है, और अपनी ताकत का नमूना वह अपनी सैकड़ों फाइट्स में भी दिखा चुके हैं। साथ ही रेसलिंग के अलावा गोल्डबर्ग बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी नजर आ चुके हैं। हालांकि चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1 पर राज करने वाले रेसलर रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस आज के समय के सबसे बड़े और सबसे मशहूर WWE सुपरस्टार कहलाए जाते हैं, और खास तौर पर हमारे भारत में रोमन रेंस को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल 1985 में जन्मे रोमन ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में की थी, लेकिन शुरुआती सालों में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी।
रोमन रेंस को असल प्रसिद्धि साल 2012 में उस टाइम मिली थी जब डीन एम्ब्रोज और सेठ रॉलिंस के साथ शील्ड नाम की एक टीम का वह हिस्सा बन गए थे। और इस सफलता के बाद से रोमन रेंस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत कम समय में ही वह WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार कहलाए जाने लगे। और आज रोमन रेंस सिर्फ एक सफल रेसलर ही नहीं बल्कि एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर भी हैं, जो कि कई सारी बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यह थे WWE के 10 सबसे बड़े और सबसे फेमस सुपरस्टार्स। आपको इनमें से कौन सा रेसलर सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।